नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को केंद्र सरकार के फैसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग की थी। अगर देखा जाए यहाँ पर तो किसान इस वक्त काफी ज्यादा अहम मामला बन चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए एक समय था जब यहाँ पर आंदोलन किया गया था किसानों की तरफ से और उसका पूरी तरीके से समर्थन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही थी। लेकिन अब अगर राजस्थान की तरफ रुख किया जाए तो वही किसान जिनको एक समय पर यानी 4 साल पहले राहुल गांधी ने वादा किया था कि दस्तक गिनती गई आपके सारे कर्ज माफ हो जाएंगे जो अभी तक नहीं हुए, अब उसको लेकर जब यहाँ पर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंच रहे थे तो किसानों ने यहाँ पर आक्रोश दिखाया था, उनकी यात्रा को रोकने का पूरा काम करते नजर आए थे। लेकिन अब यहाँ पर सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि उन्हें किसानों से बातचीत करनी है। उन्हें किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय पर भी पायलट थोड़े बहुत नजर आए थे, लेकिन अभी किसानों का सम्मेलन है उसमें लगातार यहाँ पर पायलट नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सीएम गहलोत को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब पायलट बखूबी तरीके से निभाते नजर आ रहे हैं। आगे बता दूं कि पायलट नागौर जिले के पर्वतसर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश का किसान और नौजवान संगठित हो गया तो अफवाह फैलाकर और झूठ बोलकर सत्ता में आने वाली ताकत को परास्त कर देंगे। आगे देखा जाए कि पायलट ने कहा कि जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम पर हो रही राजनीति के जहर को केवल दो कोमें ही तोड़ती हुई नजर आ रही है और एक है जवानी और दूसरी है किसानी। पायलट ने केंद्र की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने 3 काले कृषि कानून किसानों को कमर तोड़ने का काम किया था, लेकिन किसान के आंदोलन के समय सरकार अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी। वहीं पर गहलोत पर भी कहीं ना कहीं हमला बोलते नजर आए बिना उनका नाम लिए। पेपर लीक मामला सबको मालूम है किस तरीके से राजस्थान में लगातार देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक पेपर लीक हो जाते हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद जब मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। इसको लेकर यहाँ पर युवाओं पर लगातार सवाल उठते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से उनकी नौकरी लगेगी, ना जाने कितने तरीके के सवाल उठते हैं। लेकिन पायलट अपने किसान सम्मेलन में ये सवाल भी उठाकर लेकर आए। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से मन में पीड़ा होती है, हमारे किसान भाइयों के बच्चे नौजवान वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षा का इंतजार करते हैं। पायलट ने कहा कि नौजवानों में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार को जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसान सम्मेलन में मंत्री हेमाराम चौधरी, पर्वतसर से विधायक रामनिवास गावड़िया और दांताराम गढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी और भी ऐसे बहुत सारे नेता मौजूद थे जो कहीं ना कहीं एक समय पर गहलोत के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि गहलोत यहाँ पर अपना सर झुकाते नजर आएंगे और यहाँ पर पहले विधायक, अब मंत्री, सब लोग यहाँ पर पायलट का समर्थन करते नजर आएंगे। अब गौरतलब है कि पायलट का अगले 2 दिन बीकानेर और हनुमानगढ़ में कार्यक्रम है। किसान सम्मेलन करने के अलावा आम लोगों से भी पायलट मुलाकात करते नजर आएंगे, यानी कि यहाँ पर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद यहाँ पर पायलट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तरीके से उन्हें आगे करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको भी यही लगता है कि अब पायलट का समय शुरू हो चुका है, गहलोत का खत्म? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी से खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।